أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة لأهل التقوى واليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين नाजरीन ग्रामी कदर आपकी खिदमत में पैगाम आशुरा के सिलसिले में गुफ्तू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ आशुरा एक इलाही मकतब है एक इलाही दरसगाह है इस अजीम दरसगाह से इंसान अपनी कामयाबी अपनी शहदत और अपनी आके बद के तमाम दुरूस ले सकता है उन पैगाम और दुरुस में से एक इंसान की कामयाबी के लिए नहाय ज़रूरी है वो सब्र सब्रे आशुरा से हमें जो दर्श मिलता है आशुरा से हमें जो पैगाम मिलता है उन पैगाम में से एक पैगाम है। इंसान की कामयाबी इंसान की फलाह इंसान की रस्तगारी, इंसान की नजात के लिए जिन अवामिल की जरूरत है उनमें से सबसे बड़ा सबब सब्र है तो आज आजीजानी ग्रामी पहले आपकी खिदमत में सब्र के मानी बयान करूँ। मामूला हमारे जहन में ये होता है सब्र यानि पीछे हटना सब्र यानी छोड़ो साबर यानि अकब निशीनी वाल ऐसा नहीं है साबर यानि इस्तेकामत सब्र यानी मुकावमत, सब्र यानी डट जाना सब्र यानी मुसलसल आगे बढ़ना इसका नाम सब्र है इसीलिए हदीस में हमें यह ताबीर मिलती है असब्र मिनल ईमानी का रिनल बदन सब्र और ईमान के दरमियान जो राबिता है वो किस किस्म का राबिता है कर सिमिनल बदन सर और बदन का जो बिता है इस बदन को जिंदा रहना है तो इस बदन पे सर का होना जरूरी है ही आप इस बदन को सर से जुदा करेंगे बदन मर जाएगा तो इसी तरह अगर ईमान की हयात ईमान की जिंदगी बाकी रखना है तो सब्र के साथ सब्र के बगैर यानी इस्तकामत के बगैर मुकामत के बगैर ईमान की जिंदगी ईमान की हया की हयात की बका मुमकिन नहीं है साबर यानी इस्तकामत बस आशुरा, मकतब आशुरा से हमें जो दर्स मिलता है आज आपकी खदमत में वो सब्र का दर्स है देखें इस्तेकामत के बारे में पैगम्बर खुदा को कुरान मजीद में हुक्म होता है फसबिर कमा सबरा रसूल रसुलब्रिया ने छोड़ो नहीं पीछे हटो नहीं अकब निशीनी करो नहीं बल्कि फसबिर ए मेरे हबीब इस्तेकामत करो ए मेरे हबीब डट जाओ कमा सबारा उल आजमी मीना रसोल जिस तरह सबका अंबिया में से उलआज अम्बिया यानी इरादे वाले साहेबान शरीयत अम्बिया ने इस्तिकामत की है सबका शराय में सबका उम्मतों के दरमियान साहेबान इरादा साहेबान शरीयत अम्बिया ने इस्तिकामत दिखाई है आपको भी सब्र करने की जरूरत है सब्र के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं सब्र के बगैर हदफ का पाना मुमकिन नहीं बस नाजरीन के नामी कदर यहां से ये बात समझ में आ जाती है सब्र वो शख्स कर सकता है वो इंसान सब्र करता है जिसके सामने कोई हदफ हो जिसके सामने कोई मंजिल हो जिसके सामने कोई मकसद हो बस उस मकसद उस मंजिल तक जाने के उस रास्ते में उस सफर में मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ुम के रिकावटें आ जाती है मुख्तलिफ़ुम की मुश्किल आ जाती है मुख्तलिफ़ु के मवाने आ जाते हैं तो इन मवाने के परवा किए बगैर इन रिकावटों के सामने तस्लीम हुए बगैर इन मुश्किलात के सामने हार माने बगैर मुसलसल हदफ की तरफ जाना मुसलसल मकसद की तरफ रवा दबा होना मुसलसल मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने का नाम सब्र है सब्र पीछे हटने का नाम नहीं है बस सब्र वो करता है सब्र वो इंसान कर सकता है जिसके सामने मकसद हो अगर मेरे सामने कोई मकसद है नहीं तो सब्र बेमानी है उसको कोई माना नहीं है सब्र करो क्या सब्र सब्र यानी मकसद को पाने के लिए मंजिल को पाने के लिए हदफ को हासिल करने के लिए मकसद को पाने के लिए मकसद के राह में जो रिकावटें हैं उस रिकावटों के सामने तस्लीम न होने का नाम सब्र है इसीलिए मौला इमाम हुसैन आसम खुद फरमाते हैं इस बिर अला मा तुक्रो फी माँ युलजुम कल हक इस बिर यानी इसकामत करो मुकामत करो जाओ, अलामा तक रहो फीमा वो चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं है अच्छी नहीं लगती है हक, हक लेकिन हाक के राह में जो सख्तियाँ हैं जो मुश्किल हैं, जो रुकावटें हैं हक तक मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मकरूह जो नापसंद चीजें जो रुकावटें जो मुश्किल आपको दरपेश आती हैं उन मुश्किलात के सामने तस्लीम न होने का नाम सब्र है इसीलिए खुद इमाम फरमाते हैं इमाम हुसैन आलाम असाबत मुसीबत किसी पे कोई मुसीबत आ जाए कोई बला आ जाए कोई मुश्किल आ जाए तो फकुल्ला व इन्ना, इन्ना जरूर नाजरेन ग्राम कदर हम इस आय करीमा को आय इसजा कहते हैं इस आयत को फकत किसी की वफात की ख़बर सुनते ही उस वक़्त हम तिलावत करते हैं ठीक है उस वक़्त भी तिलावत करनी चाहिए लेकिन इस आयत का मफहम यह है इ ना लाही व इन् ना हम खुदा के लिए हैं खुदा की तरफ पलट के जाने वाले हैं लजा मुश्किलात के हम तस्लीम होने वाले नहीं है खुदा हमारा मकसद है खुदा हमारा हदफ है खुदा तक जाना हमारी मंजिल है लिजा खुदाई होने के राह में खुदा को पाने की इस सफर में खुदा तक जाने के इस सफर में जो मुश्किलात आती हैं उन मुश्किल के सामने तस्लीम न होने का नाम इन्ना अल्ला हम खुदा के लिए हैं किसी और के लिए नहीं है पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए हो तो आखिर में वना इले ही राज हो जाता है हम जिंदगी किसी और के लिए और जाते वक्त कहें इन्ना ही व इन्ना इले ही राज ऐसा नहीं होगा आशरा से जो हमें दर्श मिलता है वो सब्र है इसीलिए रिजा हम हमारी, हमारी खुशनुदी है खुदा की रजायत हमारी रजायत है खुदा की मर्जी हमारी मर्जी है नब खुदा की रिजायत हमारी रिजायत है खुदा की खुशनुदी हमारी खुशनुदी है यानी हमारा मकसद खुदा है हमारा हदफ खुदा है हमारी गायत खुदा है हमारी मंजिल खुदा है तो नसबर अला बला ही खुदा अगर हमसे जो इम्तिहान लेना चाहता है उस इम्तिहान के मुकाबले में हम मकामत करेंगे इस तकामत करेंगे तहमुल करेंगे बर्दाश करेंगे युअफी उजूर साबरीन खुदा हमें सब्र करने वाले इस करने वाले मुकामत करने वाले खुदा की राह में खुदा की खातिर इस करने वालों का अजर हमें देगा आप आशुरा में देखिए इतनी मुश्किल दुश्मन की जानब से इतनी मुश्किल है इतने मसायब है जाहिर लेकिन इमाम हुसैन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नफकत इमाम हुसैन आलाम बल्कि असहाब बाफा नफकत असहाबाफा बल्कि बच्चे खातिन मस्तूरात कारवान हुसैनी का हर हर फर्क सब्र का इस्तकाम का आला नमूना है हमारे लिए उनके सब्र के नतीजे में उनके इस्तकामत के नतीजे में मुकामत के नतीजे में खुदा की राह में डट जाने के नतीजे में मुश्किलत और मसाइब के सामने तस्लीम न होने के नतीजे में करबला बपा हुई और आशरा वजूद में आया ये मकतब वजूद में आया है आशुरा सब्र का नतीजा है करबला इस्तकामत का नतीजा है करबला मुकामत का नतीजा है करबला यानी मसाइब और मुश्किल के सामने हार तस्लीम ना होने का नतीजा है अगर खुदा न करे इमाम हुसैन असलम मुश्किल को देख के मसाइब को देख के मानी और रिकावटों को देख के पीछे हट जाते तो आशुरा वजूद में न आता करबला बपा न होती ये अजीम मकतब वजूद में न आता ये वजूद में आया तो हुसैन इबन अली की इस्तामत हुसैन इबन अली की मकामत हुसैन इबन अली का हुसैन इबन अली और इसके असहाबावा के सब्र का नतीजा है बस अजीज़ान ग्रामी हमें भी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की मुश्किल किस्म के मौने पेश होते हैं मुख्तलिफ किस्म के रिकावटें आ जाती हैं। लेकिन उस वक़्त याद रखें आपका हदफ अगर इलाही हो आपका मकसद इलाही हो आपका मकसद खुदाई हो मकसद आपका सही हो तो उस मकसद को पाने के लिए उस मंजिल को हासिल करने के लिए आपको सब्र का राह सब्र का तरीका एख्तियार करना पड़ेगा जब तक हम सब्र नहीं करेंगे जब तक हम इस्तेकामत नहीं करेंगे जब तक हम मुकावमत नहीं करेंगे इंसानी जिंदगी के किसी शोबे में कामयाबी मुमकिन नहीं है चाहे वो फर्दी जिंदगी हो चाहे वो आयली और खान जिंदगी हो चाहे वो सियासी और इज्तमाही जिंदगी हो अगर आपके पास एक इलाही मंजिल है एक इलाही हदफ है तो उस हदफ को पाने के लिए इस्तकामत और सब्र का तरीका अपनाने की जरूरत है आपकी जिंदगी का एक हिस्सा सब्र जब तक आप सब्र नहीं करेंगे शैतान पे गालिब नहीं आ सकता सब्र नहीं करेंगे नफसे अम्मारा पर गालिब नहीं आ सकते सब्र नहीं करेंगे इंसान की ख्वाहिशात पे इंसान गालिब नहीं आ सकता सब्र के नतीजे में ही इसकामत के नतीजे में ही मुकावमत के नतीजे में ही इंसान शयातिन जन्न पर गालिब आ सकता है इंसान अपने ख्वाहत पे गालिब आ सकता है इंसान अपने ग्रराइज पे गालिब आ सकता है साबिर इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा आखिरत में भी कामयाब होगा लिजा कुरान मजीद में सब्र करने वाले साबिरीन की बड़ी तारीफ हुई है अब करबला सब्र का अमली नमूना है करबला सब्र का मुजस्सम है करबला से हमें जो पैगाम मिलता है कामयाबी का वो एक सब्र है वो इसकामत है परवरदिगारा आलम की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगारा परवरदिगारा हुसैन इबन आली और अब बा के सब्र का वास्ता हमें भी अपनी जिंदगी में इलाही अहदाफ की खातिर इस्तकामत और मकामत करने की तौफीक इनायत फरमा असलम वरहि वबरक